रियासती वजह दाखला महमूद अली ने पुलिस का अलामतदारों का एक इजलास तलब किया, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन के दौरान अवाम के साथ नरमी के साथ पेश आने की पुलिस को हिदायत दी। उन्होंने बताया कि रियासत तेलंगाना फ्रेंडली पुलिस के लिए मशहूर है और पुलिस का काम है कि वो इस नेकनामी को बरकरार रखें। महमूद अली ने ऑक्सीजन सिलेंडरों और कोविड-19 के इंजेक्शन रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को सख्त इंतबाह दिया। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन का जखीरा करने वालों पर केसेस बुक किए जाएंगे। महमूद अली ने सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों पर भी तवज्जो न देने की अवाम से अपील की। उन्होंने बड़े इज्तम से एतराज़ करने की भी अवाम से अपील की और उनसे ख्वाहिश की वो घरों में ही इस मरतबा ईद की नमाज अदा करें। इजलास में मौके में दाखिला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रवि गुप्ता, डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंद्र रेड्डी, हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार, साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार, रचाकुंडा के पुलिस कमिश्नर महेश भगवत के अलावा हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के एडिशनल कमिश्नर अनिल कुमार भी मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। कल कैबिनेट में जो डिसीजन लिया गया है, आज 10 बजे से लॉकडाउन शुरू हो चुका है और ये लॉकडाउन मुसलसिल 10 दिन तक रहेगा। सुबह फजर के साथ ही या सुबह सूरज तुलू होने के साथ ही 10 बजे तक छूट रहेगी इसके अंदर। चाहे आप सौदा सुल्फ ले सकते हैं, क्या रोज़मर्रा के जो भी आपको ज़रूरत के इस्तेमाल की चीज़ें ले सकते हैं, या आपकी जो भी दिगर मसरूफियात हुई, सुबह 5 बजे से सिर्फ 10 बजे के अंदर तक आप कर सकते हैं। अलबत्ता आपको दवाखाना जाना है तो ये आप कभी भी जा सकते हैं, मेडिकल शॉप जाना चाहते हैं तो कभी भी जा सकते हैं। हुकूमत ने लॉकडाउन डालने का मकसद एक ही है कि ये कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हैदराबाद और तेलंगाना स्टेट के अंदर हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने रात का लॉकडाउन रहा था लागू किया था, मगर उसमें काफ़ी लोग अदर स्टेट के लोग हैदराबाद आ रहे हैं और सारे सरकारी दवाखानों में वो लोग शरीक हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को इलाज करने में तकलीफ हो रही है। इस वक्त सारे हिंदुस्तान में मुकम्मल लॉकडाउन है। दिल्ली में तो 1-1 हफ्ते का 2 बार लॉकडाउन किया गया है और दूसरे स्टेटों में भी ज़्यादातर स्टेट में जो लॉकडाउन है और बाद जगह जो है सुबह फजर के साथ ही या सूरज तुलू होने के साथ 10 बजे तक का मौका दिया गया है कि आप जो चाहे अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें या उस दरमियान में आप कुछ भी काम कर सकते हैं। तो मैं तमाम मेरे भाइयों से अपील करता हूं कि कोरोना बड़ा मूजी मर्ज है जिसके लिए सारा हिंदुस्तान परेशान है, हज़ारों लाखों लोग इसके अंदर शहीद होते जा रहे हैं और हमारी स्टेट में भी काफ़ी तेज़ी से कोरोना फैल रहा है। उसकी रोकथाम के लिए ये लॉकडाउन नाफिज़ किया गया, उसकी आप पाबंदी कीजिए। और मस्जिदों में यकीनन तरावी के नमाज हो चुके हैं और रमज़ान की ईद चाहे जुमे को तो होगी ज़रूर, ईद आप ज़रूर मनाएं, ईद की मुबारकबाद भी देता हूँ, मगर एहतियात की बहुत ज़रूरत है। हम लोगों से मिलने से ही कोरोना हमारे घर में दाखिल होता है। कोरोना जब हम लोग किसी से मिलते हैं, एहतियात नहीं करते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, हाथ मिलाते हैं, उसके ज़रिए कोरोना हमारे घर में दाखिल होता है और सारे घर के लोग मुतासिर होते हैं। जब घर के लोग मुतासिर होते हैं तो बहुत हमें दिक्कतें पेश आती हैं। जब किसी के घर के हालात सुनने पर हमारे आँख में आंसू आ जाते हैं, तो इसलिए मैं तमाम मेरे भाइयों से गुजारिश है कि मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, कम से कम 6-7 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए और हाथ को हमेशा सैनिटाइज कीजिए या नहीं तो कम से कम साबुन से हाथ धो लीजिए, मगर किसी से हाथ मत मिलाइए। बहुत दूर से सलाम कर दीजिए, हाथ मिलाना या गले मिलना या नज़दीक बिल्कुल करीब से बात करना ये कोरोना को दावत देने के बराबर है। तो हम तमाम मेरे भाइयों से मेरी यही अपील है कि हम जितना हो सके, चूंकि ऑनरेबल सीएम साहब ने और कैबिनेट का डिसीजन है कि 10 दिन का लॉकडाउन ऐलान किया गया है, आगे फिर कैबिनेट में मीटिंग रखकर कैबिनेट में इस बात का डिसीजन लेने के बाद कि कोरोना की कमी हुई है या इसमें कंट्रोल किया गया है, अगर हम कंट्रोल जल्दी से जल्दी कर लेंगे तो आगे दिन का कर्फ्यू कुछ छूट जाएगा। अगर इसी तरह कोरोना चलता रहेगा तो आगे भी फिर एक बार लॉकडाउन और 10 दिन के लिए तौसी करना पड़ेगा। इसलिए हम जितना हो सके, ये हमारे हाथ में, हम जितना हो सके इसकी एहतियात कीजिए और मस्जिदों में भी गैदरिंग मत कीजिए। जो मस्जिद में 4-5 लोग हैं वो नमाज़ पढ़िए, बाकी तमाम हज़रात से मेरी गुजारिश है घरों में नमाज़ पढ़े, क्योंकि हाईकोर्ट की सख्त हिदायत है
कि गैदरिंग के अलाव नहीं है, चाहे किसी जगह हो, तो गैदरिंग से हम एहतियात कीजिए, जहाँ तक हो सके अपने नमाजें मस्जिद घरों में पढ़िए, मगर मस्जिदों को भी आबाद रखना ज़रूरी है। उसके लिए मस्जिद में चार पांच लोग, चार लोग नमाज पढ़ सकते हैं, उसकी इजाज़त है। मैं तमाम मेरे भाइयों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि कोरोना की रोकथाम के लिए आप आगे बढ़िए और हुकूमत का साथ दीजिए और अपने बाल बच्चे, अपने अफराद ख़ानदान को इससे महफूज रखिए। थैंक यू। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into success school shines with brilliance, sculptured by teachers, polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in cans. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success. Others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.